वेद का धोबी घाट, जो हद का धोबी घाट होता है उसमें क्या किया जाता है बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। कपड़ों को साफ करते हैं। वो कपड़े स्थूल कपड़े होते हैं या चैतन्य कपड़े होते हैं? है? स्थूल कपड़े होते हैं। तो स्थूल कपड़े ही होते हैं या चैतन्य कपड़े भी होते हैं? चैतन्य कपड़े क्या होते हैं? क्लियर करो। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ चैतन्य कपड़े क्या होते हैं? ये चैतन्य कपड़ा क्या चीज है? आप नहीं बोलो, जिसने प्रश्न किया उसी को बोलने दो। हाँ शरीर, वो शरीर है जिसमें से आत्मा निकल जाती है वो शरीर, या जिसके अंदर आत्मा होती है वो शरीर? हाँ जिस शरीर के अंदर आत्मा होती है वो चैतन्य शरीर कहा जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो झंडा रोहण करते हैं उसमें लिखा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखला दे। ये तीन रंग के कपड़ों का बना हुआ जो झंडा है ये सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो कोई जड़ कपड़ा है क्या? ये जड़ कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? किया है नहीं? क्या मतलब है इसका? अरे जड़ कपड़े ने जड़ कपड़ा ऊपर कर दो, तीन कपड़े इकट्ठे करके तीन रंग का, तो विश्व विजय हो जाएगी? है क्या मतलब है झंडा बुलंद करने का? है हाँ, कोई तीन चैतन्य वस्त्र रूपी शरीर हैं जिनको संसार में नाम बाला करना है, उनके नाम का झंडा बुलंद करना है। वो तीन शरीर रूपी वस्त्र सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं संगठित शक्ति से, अकेले नहीं संगठित शक्ति है और चैतन्य शक्ति है। वो तीन शरीर रूपी वस्त्र पवित्र शरीर होंगे या उनमें पवित्र आत्मा होगी? शरीर पवित्र भल न हो लेकिन उनमें आत्मा पवित्र होगी। और वो शरीर रूपी वस्त्र पावन कहे जावेंगे या पतित कहे जावेंगे? पावन कहे जावेंगे है? पावन कहे जावेंगे। पतित शरीर है फिर भी वो पतित शरीर मनुष्यों के बीच में पवित्र स्टेज ऐसी कैसे धारण करते हैं जो उनका संसार में नाम बाला हो जाता है? हाँ जो ऊंच से ऊंच बाप है वो ऊंच से ऊंच बाप परमधाम में ही पार्ट बजाने वाला है या इस सृष्टि पर साकार में पार्ट बजाने वाला है? इस सृष्टि में साकार में पार्ट बजाने वाला है। उसके संग के रंग से, किसके संग के रंग से? ऊंच से ऊंच जो आत्मा है सुप्रीम सोल, उसकी स्मृति के संग के रंग से ऐसी पवित्र आत्माएं बन जाती हैं संसार की कि सारी दुनिया सर ऊपर करके उनको बुलंद उनके नाम को याद करती है, उनके स्वरूप को याद करती है। पुत्र मूर्ति से सारे संसार में विख्यात हो जाता है। तो ये याद का महत्व है। याद कब आती है?
किसी की याद कब आती है? अरे रसगुल्ला कब याद आता है? कभी खाया होगा तो रसगुल्ला याद आएगा। तो ऐसे ही 500-700 करोड़ पार्टधारी हैं, उन 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी जो पार्टधारी हैं, उनमें ऐसा पार्टधारी भी कोई है जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को याद आता है, कोई को कम और कोई को ज्यादा है, कोई ऐसा कि नहीं है? तो जो एक ऐसा है उसमें वो हीरा प्रवेश करता है। कौन सा हीरा? वो हीरा है नहीं, वास्तव में हीरा कहा जाता है क्योंकि हीरा तो पत्थर होता है, जड़ होता है या सदैव चैतन्य होता है, वो तो जड़ है। जो नौ रत्न है वो जड़ है, पत्थर बुद्धि है वास्तव में, उनमें वो निराकार शिव प्रवेश करता है जो सदैव हीरे के समान चमकने वाला है। वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हुए भी वो शिव सदा चमकने वाला सितारा है। वो सितारे को जो याद करते हैं वो पवित्र बनते हैं। ब्रह्मा के तन में नहीं, ब्रह्मा का तन तो विनाशी हो गया, वो शरीर रूपी वस्त्र कैसा हो गया? विनाशी। वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार नहीं है। कौन से शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है? ऐसे शरीर रूपी वस्त्र दुनिया के जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी तीन हैं, वो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने उस ऊंच से ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी को याद किया है, जिस हीरो पार्टधारी में वो सुप्रीम शिव प्रवेश करता है। उसकी याद मात्र से ही वो आत्माएं पवित्र बन जाती हैं। फिर कोई को कम और कोई को जास्ती याद क्यों आता है? है? क्या कारण है? लगाव किस आधार पर होता है? अरे लगाव अटैचमेंट का आधार क्या है? है? नहीं, सब अपवित्र ही तो है, है? त्रेसठ जन्मों की बात बाद में उठाओ, फिर तो सब त्रेसठ जन्म वाली बात उठाएंगे। अभी वर्तमान में क्या आधार है? जो कोई को जास्ती याद आता है, कोई को कम याद आता है, है? पहचान के आधार पर बुद्धि का योग जोड़ते हैं ना, तो बुद्धि का लगाव लगाने के लिए तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से अटैचमेंट में आते हैं या नहीं आते हैं? संबंध जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? संबंध जितना जो गहरा जोड़ेंगे उतना वो नजदीक आवेंगे, मन बुद्धि से भी नजदीक आवेंगे। मन बुद्धि से नजदीक आने के कारण जन्म जन्मांतर के नजदीक पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। तो जो जन्म जन्मांतर नजदीक पार्ट बजाते हैं संगम युग में, उनको ऑटोमेटिक याद आता है। तो वो शरीर रूपी वस्त्र क्या ही कमाल है, अगर ये साकार शरीर रूपी वस्त्र ही न हो, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत हो, तो वो इतने पावन बन जा देंगे। कितने? इतने पावन बन जा देंगे जो संगम युग में ही प्रारब्ध प्राप्त करें संसार के सामने, संगम युग में ही त्रिमूर्ति झंडों के रूप में गायन गायन किए जाएं। क्या ब्रह्मा दादा लेखराज उनका शरीर रूपी वस्त्र नहीं था क्या? था। वो झंडे में यादगार है? है? वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है? है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर जो है
वो चैतन्य शरीर ने शरीर रहते रहते उस परमात्मा बाप के स्वरूप को नहीं पहचान पाया। जब पहचान ही नहीं पाया तो संग के रंग में कहां से रंगेगा, और जब संग के रंग में ही नहीं आवेगा तो फिर याद कैसे आवेगा, याद भी नहीं आ सकता। तो शरीर रूपी वस्त्र जैसे धोए जाते हैं स्थूल जल से, ऐसे ही ये जो चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र हैं इनमें रहने वाली आत्मा वो ज्ञान जल से साफ होती है, और ज्ञान जल से जो आत्मा साफ होती है उसके शरीरों में ऐसा स्टेमिना भर जाता है, ऐसा उमंग उत्साह भर जाता है ईश्वरीय शक्ति का, कि शरीर सड़े हुए होते हुए भी वो ईश्वरीय सेवाओं में दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसलिए बोला है कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बाबा कहते हैं 8 बुढ़िया चाहिए। कैसी बुढ़िया? मुंह में दांत न हो, बाल सफेद हो गए हो, गालों में हाथ पांव में झुर्रियां पड़ गई हो, शरीर सूख करके बुढ़ापे में कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, शरीर में ताकत दिखाई नहीं देती। ऐसी 8 बुढ़िया चाहिए। उनके लिए बोला है ईश्वरीय सेवा के पंख लग जावेंगे। जब ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो जावेंगी तो ऐसी भी निकलेंगी। तो ये शरीर रूपी वस्त्रों की बात है, चैतन्य वस्त्रों की बात है। जो चैतन्य वस्त्र साफ करने के लिए खूब मुरली ने बोला है तुम बच्चों को ये लक्ष्य सोप मिला है। क्या मिला है? लक्ष्य सोप। तो लक्ष्य सोप देखते हैं तो शरीर की सफाई होती है कि नहीं होती है, है? तो वो तो जड़ सोप है और वो जड़ शरीर है, लेकिन वास्तव में यहाँ जड़ शरीर की बात नहीं है। जो आत्मा है उस आत्मा का चैतन्य सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर कार्य कर रहा है। ये जड़ शरीर समाप्त हो जाता है तो भी चैतन्य शरीर कार्य करता रहता है। ये लगाव झुकाव वाली बात है। ब्रह्मा बाबा का लगाव झुकाव जिस गुलजार कन्या के साथ लगा हुआ था बचपन से ही, छोटी कन्या के साथ, उसको बाबा बुलाते थे अपने पास और वो भाग जाती थी दूर। बड़ी होने तक भी वो बाबा के पास नहीं आती थी। अंतिम अंजाम क्या हुआ? लगाव झुकाव कहाँ तक गहरा होता है? जब बाबा का शरीर छूट गया तो क्या किया उन्होंने? उसी कन्या के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, और आज भी उसी में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है, इसकी भी धुलाई होती है। जल भी चाहिए, सोप भी चाहिए। पुराने जमाने में साबुन से कपड़े नहीं धोए जाते थे, सर्फ वगैरह से कपड़े नहीं धोए जाते थे। मालूम है कैसे धोए जाते थे? हैं? हाँ, खेतों में जो ऊसर बंजर जमीन हो जाती है उसमें सफेद सफेद मिट्टी जम जाती थी, वो सफेद मिट्टी को धोबी लोग इकट्ठा करते थे और उसमें कपड़े सारे सौंध सांध के
रख देते थे रात भर के लिए। सारे मिट्टी में तांधे हुए कपड़े, वो मिट्टी काय को कहा जाता है। मिट्टी माने क्या? वो देह अभिमानी की मिट्टी है। वो देह अभिमानी की मिट्टी में सारे कपड़े सौंधे हुए, फिर गधे के ऊपर डाल करके कहाँ ले जाए जाते? धोबी घाट। वहां धोबी घाट पर अभी भी जाके देखो, कंपिला जाने आना तो होता ही रहता है एडवांस पार्टी वालों का। वहां जाके देखना धोबी कैसे कपड़े धोते हैं। कपड़े धोते जाते हैं और यादगार में बोलते भी जाते हैं, संगम युग की यादगार है। सी ओ राम, सी ओ राम। कपड़े को पटकते हैं, मुंह से निकलता है छी, फिर भगवान को याद करते हैं। तो ये कपड़े हैं चैतन्य वस्त्र, वो है जड़ वस्त्र। वो भाई को आज तक समझ में ही नहीं आया, एडवांस में चल रहा है, नहीं आया ना समझ में? है आज तक तो समझ में नहीं आया ना? आज समझ में आया था? आज तक समझ में आया था? आया था, पर पूछने की जरूरत क्या थी? है तो जरूरत थी पूछने की? है हर एक आत्मा को? हाँ, तुम्हारी आत्मा धुल रही कि नहीं? आंखों से आंखें मिल रही हैं कि नहीं? शरीर का अंग है या नहीं? है ना? अच्छा। और प्रश्न दिया है, आज ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं सर। अमृत वेला में बाबा आपको कैसे याद करना है? बचपन से लेकर के जन्म लेने के बाद शैशव अवस्था हुई, छोटा सा शिशु होता है, उसको भी भूख लगती है तो याद करता है कि नहीं? माँ याद आ जाती। शैशवावस्था पूरी होती है, किशोरावस्था आती है, संगी साथियों के साथ खेलने जाता है तो माँ भूलती जाती है, कौन याद आने लगते? हाँ, संगी साथी याद आते। स्कूल में जाता है, टीचर याद आने लगता। बड़ा होता है तो पत्नी याद आने लगती, टीचर को भी भूल जाता, संगी साथियों को भी भूल जाता, माँ की भी उतनी स्मृति नहीं आती जितनी पत्नी की याद आती। बाल बच्चे पैदा हो जाते, बाल बच्चों की याद आने लगती, पत्नी भूलती जाती। अरे 63 जन्म जन्म भाई जन्म करते क्या रहे? याद ही तो करते रहे, हैं? किया ना याद? जिसके जिसके संग में आते गए उसको उसको याद करते गए। तो बाबा सहज करके बताते हैं, योग मत लगाओ, क्या करो? याद करो। जिसको इन आंखों से देखते हैं वो याद आता है, जिससे रज रज के बातें करते हैं वो याद आता है, जिससे साथ कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं वो याद आता है। तो याद कोई पूछने की चीज नहीं है कि कैसे याद करें। बच्चा बाप को याद करता है, बाप बच्चों को याद करता है, सभी पूछता है कि कैसे याद करें। और यहाँ भगवान को, भगवान के लिए पूछते हैं कैसे याद करें। भगवान भी क्या कहता होगा? है कुछ अंदर सोचता होगा कि नहीं? कि देखो जन्म भाई जन्म याद करते रहे, जिनसे अल्पकाल की प्राप्ति होती है उनको याद करते रहे,
और जिस भगवान से जन्म जन्मांतर की सदाकाल की प्राप्ति होती है भगवान बाप से, उसके लिए पूछते हैं बैठ करके, बाबा आपको हम कैसे याद करें? वंडरफुल बातें हैं। और वार्तालाप में ब्रह्मा को मजाक बुझा, विष्णु को भी विराट रूप में देखते थे, शंकर को ज्यादा करके चार बुझा, चार बुझा इसलिए कि जो पार्वती के रूप में पार लगाने वाली है वो लेफ्टिस्ट के रूप में और आईटीएस के रूप में पार्ट बजाने वाली सहयोगी भुजाएं दो हैं। क्या दोनों ही पार लगाने वाली है? लेफ्टिस्ट के रूप में जो पार्ट बजाती है जगदम्बा वो भी पार लगाने वाली है, और जो राइटियस के रूप में पार्ट बजाने वाली है कौन? लक्ष्मी, वो भी पार लगाने वाली भुजा है। हाँ, रास्ते अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, तो दो भुजाएं तो वो हो गई, वो ऊपर की भुजाएं हैं ऊंचा कार्य करने वाली, उनमें से एक है ऊपर की एक है नीचे की, और एक है लेफ्टिस्ट एक है राइटियस, ऐसे ही दो आत्माएं और हैं। कौन दो आत्माएं? ब्रह्मा वाली आत्मा और है हाँ राम वाली आत्मा, ये दो आत्माएं जो हैं वो भी सहयोगी हैं शंकर के पार्ट में। शंकर कोई एक आत्मा का नाम नहीं है, शंकर माने क्या होता है? मिक्स पार्ट। तो उनमें भी एक लेफ्टिस्ट है और एक राइट ईयर से, तो चार भुजाएं शंकर को दिखाई जाती हैं, और चलाने वाला है शिव। क्या विष्णु में चलाने वाला कौन है? राम, और शंकर में चलाने वाला शिव। इसलिए शंकर को भी चार भुजाएं दिखाते हैं। और बोले तो क्या है? नारायण बोले तो ज्ञानजल में रहने वाला है, लक्ष्मी बोले तो वो लक्ष्मी को प्रत्यक्ष कर देती है उसमें, मी माने मेरे में, मुझ में, और लक्ष्य माने लक्ष्य भरा हुआ है। क्या उसमें लक्ष्य भरा हुआ है? शंकर जी ब्रह्मा जी दौड़ लगाते रहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं? हैं? करते हैं? नहीं कर पाते। और लक्ष्मी आती है और धड़ाक से लक्ष्य की प्राप्त हो जाती है। निराकारी स्टेज लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण विष्णु रूप, वो विष्णु रूप है अर्थात साकारी शरीर होते हुए भी कोई भी अवगुण न रहे, कोई भी विष मात्र न रहे, निर्विष हो जाए, नो विषयताल, विष्णु स्वरूप बन जाए। कैसा विष्णु स्वरूप? सांपों के ऊपर लेटे हुए हैं आराम से, नहीं तो रात में सोते सोते कहीं सांप घुस जाए रजाई में तो उठ के भाग खड़े होंगे मारे डर के, और उनको कोई डर नहीं। और ईशा का मालिक कुबेर, और ईशा ने कौन का मालिक है? ईशान कौन का मालिक? ईश्वर है। दक्षिण दिशा का आश्चर्य आने वाला उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईशान कौन का? ईशान कौन का मालिक याद नहीं आ रहा है। अरे आठ देवों के चित्र आते हैं सो देख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मार्ग में चित्र बनाए हुए हैं, आठों देवताओं के चित्र बनाए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं, मंदिरों में वो सारे चित्र दिखाए हुए हैं आठों दिग्पाल के। दक्षिण दिशा का मालिक का नाम? हाँ,
हम इधर दक्षिण दिशा का है। कौन है दक्षिण दिशा? हाँ दक्षिण दिशा का मालिक का नाम। क्या आपने अपने इस देव का रूप स्वरूप जानना चाहते हो क्या? बुद्धि चलती तो है ना, है हमारा इष्ट देव कौन? जिसका जो इष्ट देव होगा उसके प्रति बुद्धि चलेगी कि नहीं चलेगी? है नहीं चलेगी? चलेगी। अच्छा तो तुम अपना इष्ट देव ढूंढ रहे हो? अच्छा मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ उसको बड़े बड़े सींगों वाला दिखाते हैं। हाँ तो छप्पर फाड़ के नहीं दे रहे हैं? माने हमसे ज्यादा किसी को दिया है क्या? हैं हमसे ज्यादा तो किसी को दिया नहीं। हाँ अच्छा अच्छा चौकोर होती तो आठ कोने होते कि नहीं होते? अच्छा चौकोर के कोने काट दो तो गोल हो जाएगी। हाँ हाँ बोले। खुदा के तख्त को उठाने वाले आठ 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 फरिश्ते हैं। उनको ही काट दिया गया तो फिर है? उनको ही काट दिया गया तो फिर उनको काट दिया गया। काट दिया गया तो माने दोनों की कैसे चला? अभी बोल रहे हैं ना आठ कोने काट दो तो कुछ भी काम नहीं। नहीं अब तो समझाने की बात बताई। काटने को तो माया आखिरी जन्म में उनको काट देती है। आखिरी जन्म में उन आठ को भी काटती है कि नहीं माया? माया तो किसी को नहीं छोड़ती। और अरे पृथ्वी गोल है तो जो गोल पृथ्वी है वो आदि से गोल थी या बाद में आकर के पूरी गोल दिखाई पड़ती है? आदि से गोल थी। आदि में पूरा चक्कर लगाते थे कोई नहीं लगाते थे? आदि की तो बात तो है ही नहीं क्योंकि सिर्फ जम्बूद्वीप ही था। आदमी सिर्फ भारतीय देश था कि दूसरे देश भी थे? भारत देश था। बाद में जैसे जैसे धर्मखंड बाहर आते गए समुद्र से तो पृथ्वी पता चला कि हाँ पृथ्वी गोल है। पूरा चक्कर लगाया जहाज से तो चक्कर लगाते 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 उसी जगह पर पहुंच गए तो पता चला कि हाँ पृथ्वी गोल है। हाँ आठो भाई बंधु थे, मिटमैट थे। आठों राजाएं हैं या रानियां हैं या बाल बच्चे हैं? हैं आठों राजाएं हैं। हाँ बाबा एक माता जी का प्रश्न है। बाबा आते हैं मधुबन में तो क्लास में पड़ोस वाले गांव के लोग आ जाते हैं है? पड़ोस वाले गांव के लोग आ जाते हैं है? तो उनके लिए खाने का प्रबंध हो जा किया जाता है यहाँ। लेकिन एक मुरली में बाबा ने बोला है कि लोकल बातें जैसे ऑफिस में जाते हैं तो खाना खा के ऑफिस को जाते हैं फिर वापस घर आके खाना खाते हैं तो ऐसा यहाँ भी करना है ना? फिर यहाँ आकर के लोकल वाले यहाँ ही खाना खा रहे हैं मधुबन में तो इसके लिए क्या करना है? दुनिया में भक्ति मार्ग में जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मणों में ज्यादा धामा खाने वाले पेटू ब्राह्मण होते हैं या
कथा करने वाले ज्यादा होते हैं है? ज्यादा कौन से होते हैं है? पेटू ब्राह्मण ज्यादा होते हैं, इकट्ठे ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं खाने वाले, और कथा करने वाले थोड़े होते हैं। क्या पूछना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको क्या चिंता, बोझा चढ़ेगा है? हाँ हाँ, कोई माता जी को क्या चिंता, बाबा का घर है, बाबा का परिवार है, है? है। और लक्ष्मी से पहले महाकाली का पाठ चलेगा, लक्ष्मी आने से पहले महाकाली का पाठ चलेगा। अच्छा, दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो पता नहीं है कि लक्ष्मी पहले आती है या झाड़ू लगाने वाली पहले आती है, हैं? बाबा ने तो इशारा दे दिया, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है। बहुत से चलते चलते ज्ञान में से टूट जाते हैं, एडवांस में टूट रहे हैं कि नहीं है? टूट रहे हैं ना। कोई कीड़े मकोड़े ऐसे भी होते हैं, उनको झाड़ू लगाओ गिर जाएंगे जाके, फिर उड़ के उठ करके फिर उधर ही आ जाएंगे। तो कीड़े मकोड़े नहीं है क्या है? नहीं है, है? फिर क्या बात है, चलता रहता है। कोई झाड़ू प्रत्यक्ष लगता है और कोई झाड़ू अप्रत्यक्ष लगता है। और है? माता जी की बहुत चिंता हो रही है। बाबा शिवरात्रि के दिन बाबा का परिचय देना है, किस प्रकार करना है? अरे बाबा ने तो बता दिया, अब देख तो बाप दादा ने बताया कि नहीं, बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी, बाप का परिचय सारी दुनिया को कैसे मिलेगा है? जो अभी तक करते रहे वैसे ही मिलेगा या कुछ और नया करने की बात बताई है? क्या है व्यंग मार्ग, वही तो पूछ रहे हैं है? हाँ, आपने नहीं दिया, आप बीच में बिचौलिया बन गए। बाबा ने बताया नहीं क्या, अपने चेहरे से, अपनी चलन से, अपने चरित्र से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप की प्रत्यक्षता जो है वो अव्यक्त स्टेज से होगी, जैसे जैसे बच्चों की अव्यक्त स्टेज बनती जाएगी, बाप का परिचय दुनिया वालों को स्वतः ही मिलता जाएगा। हाँ परिवार में 8-10 बच्चे होते हैं, 4-6 भाई होते हैं, भौजाइयाँ होती हैं, परिवार का कोई धंधा चलता है, कोई बड़ी दुकान होती है या कोई कारखाना होता है, तो परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो मानकर बैठे हैं हमारा परिवार ही हमारा कुटुंब है, हमारा कुटुंब ही हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया जो है वही हमारी पृथ्वी है, वही हमारी वसुधा है, तो उसमें भाभी से पूछा जाए दुकान किसकी है तो क्या कहेगी है? हमारी दुकान। कारखाना किसका है? हमारा। छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो क्या कहेगा है? ये कहेगा बाप का है, हमारा नहीं है, है? कहेगा नहीं। ये संगम युग में ही ऐसी दुनिया बनती है जहाँ सारी वसुधा हमारा
कुटुंब बन जाती है, उस कुटुंब का एक एक भांति, ये नहीं कहता है ये सारा विश्व विश्व पिता का है, सारे विश्व पर हमारे बाप का राज्य हमारा नहीं है, हमारा राज्य होता ऐसे कहेगा क्या? क्या भावना होगी है? सारे विश्व पर हमारा राज्य है, जो बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प, मेरे अंदर जो संकल्प चलेगा वो बाप को मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा है? मानेगा? और मेरा नाम शिवली है और मेरा अव्यक्त रूप ज्योतिर्लिंगम है, ज्योतिर्लिंगम मेरा अव्यक्त रूप ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं। मैं और मेरा अलग अलग है या एक ही है? हैं? मैं मेरा अलग 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 है तो मेरा है वो किस तरह इशारा है? हैं? मुकर्रर रथ की तरफ इशारा है, वो मेरा लिंग है, वो लिंग ज्ञान से ऐसा भरा पूरा होगा कि वो ज्योति का लिंग दिखाई पड़े, ज्योति स्थूल होगी या प्योरिटी की ज्योति होगी या ज्ञान की ज्योति होगी, काय की ज्योति होगी, प्योरिटी की ज्योति होगी, ज्ञान की ज्योति होगी। राम फेल हुआ तो यज्ञ के आदि में जितने थे सब फेल हो गए या कुछ बच गए? ब्रह्मा जैसी आत्माएं बची या नहीं बची? बच गई, उनको बाण मिले है, धनुष बाण मिले, तरकस मिला नहीं मिला? तो बाण काहे के लिए मिले है? अरे ये बाण काहे के लिए मिले है? जो असुर हैं उन असुरों को घायल करने के लिए मिले हैं, ये क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? जो ब्राह्मण हैं असली, उन ब्राह्मणों की जो सहन शक्ति वाले हैं उनकी रक्षा करना है या नहीं करना है? उनकी रक्षा करना ये क्षत्रियों का धर्म है। जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं और उनको आसुरी ब्राह्मण तंग कर रहे हैं, उन आसुरी ब्राह्मणों को मार मार के बाण के और उनको घायल ही नहीं कर देना, रावण संप्रदाय को कलाश ही कर देना, ये किसका धर्म है? देवताओं का धर्म है, ब्रह्मा जैसी देवात्माओं का धर्म है नहीं, किसका धर्म है? क्षत्रियों का धर्म है। हाँ ओम शांति स्वरूप में टिकना अच्छी बात है या मुख से बोलना टेप रिकॉर्डर में भर देना, जो कोई सामने आए टेप रिकॉर्डर बोल पड़े वो अच्छी बात है? वाइब्रेशन कैसे बनेगा? वाइब्रेशन कोई सामने आता है और टेप रिकॉर्डर बोलना ओम शांति ओम शांति ओम शांति, सर में दर्द हो रहा है वो बेचारा नहीं बोल पा रहा है तो टेप रिकॉर्डर भरा हुआ है बोलता रहे ओम शांति ओम शांति ओम, ये भी टेप रिकॉर्डर है, ये क्या है मुख, ये भी टेप रिकॉर्डर है। तो मुख से बोलना अच्छी बात है या उस स्थिति में टिकना अच्छी बात है? टिकना अच्छी बात है, तो सामान्य सी बात बताएगी, उसे पूछना क्या है? कहते हैं अगर किसी को ओम शांति कहने पर उनको बाबा तो याद दिलाते हैं ना,
अगर कोई दूसरे संकल्प में रहते हैं बहुत परिवार को बहुत परिवार वाले ऐसे दूसरे अच्छी बातें हैं लोग अगर अपन चलते जैसे ओम शांति कहेंगे कोई दूसरे सामने वाले दूसरे संकल्प में बिजी रहेंगे अगर बाबा तो याद आएंगे ना ओम शांति कहने से याद आएंगे याद आते हैं लोग एक दूसरे से ओम शांति कहते हैं शिव बाबा याद आ जाता है आत्मिक स्थिति बन जाती है हाँ ये तो वही बात हो गई जैसे ऋषियों मुनियों ने आत्मिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए बिंदी और टीका लगाना शुरू कर दिया वो टीका टीका की जगह लगा रह गया बिंदी बिंदी की जगह लगी रह गई कोई याद करता है कि ये आत्मा है याद करता है नहीं करता स्थिति में टिकने की बात है दिखावा करने और बोल बोल करने से कुछ भी नहीं होता है ब्राह्मण जन्म ज्ञान से जन्म हुआ हमारा जन्म ज्ञान सुनके जन्म हुआ आदि में थे तो कौन सा ज्ञान कौन सा ज्ञान सुनके ब्राह्मण जन्म ज्ञान में मुख्य ज्ञान कौन सा है जो ज्ञान है उस ज्ञान में मुख्य ज्ञान की पॉइंट कौन सी है हा? मुख्य ज्ञान की पॉइंट है आत्मा की पहचान और बाप की पहचान छोटे बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज के बतौर होता है ज्ञान और बड़ों के लिए सगीर के लिए जो गहराई का ज्ञान है वो ज्ञान कहा जाता है तो जो बच्चा बुद्धि है उनके लिए बच्चा बुद्धि का ज्ञान मिल गया आत्मा क्या है बिंदी है बाप क्या है बिंदी है बस हो गया लेकिन ये पूरी पहचान नहीं हुई पूरी है या अधूरी है अधूरी पहचान है क्या अंतर रहा आत्मा बिंदी और परमात्मा बाप बिंदी पता कैसे चलेगा कौन बाप है कौन आत्मा है पता चलेगा नहीं पता चलेगा तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती है आत्मा रूपी रिकॉर्ड परिपक्व हो जाता है आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है बिंदु को याद करते करते आत्मिक स्थिति को याद करते करते तो बाप से डायरेक्ट सीखोगे तो जो जो ब्राह्मण आत्माएं बेसिक नॉलेज धारण करने के बाद आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करती रही प्रैक्टिस करते करते आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतर गई तो उनको बाप डायरेक्ट मिल जाता है और वो बाप स्वयं ही उनको परिचय देता है कि मैं तेरा बाप हूं वो तौर तरीका उसी तरह है जैसे बेसिक में था लेकिन गहराई ज्ञान की बढ़ जाती है वहां भी कोर्स दिया जाता था और यहाँ भी कोर्स दिया जाता है कोर्स लेने वालों में से जिनको बाप की पहचान बुद्धि में बैठ जाती है उनको फोर्स आ जाता है जिनको फोर्स आ जाता है वो बाप से मिले बगैर रह नहीं पाते हैं माने निश्चय बुद्धि हो गए बाप का बच्चा बन गए बाप के घर में जन्म लिया माना बाप का बच्चा बना तो ये पहचान जरूरी है इसलिए कहेंगे कि संक्षेप्तर से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं अपने को और अपने बाप को पहचानने लगी आदि में ज्ञान था ये नहीं कहेंगे नहीं था लेकिन बच्चा बुद्धि का ज्ञान था असली ज्ञान नहीं था अर्जुन नौजवान को सगीर को ज्ञान दिया जाता है देने वाला स्वयं सगीर है या बच्चा है बच्चा कृष्ण है कैसा है गीता ज्ञान देने वाला और लेने वाला दोनों ही सगीर बुद्धि चाहिए
या बच्चा बुद्धि चाहिए, सगीर चाहिए? अभी तो बुढ़ियों का ख्याल नहीं है ना बाबा, इसको सीधा करेंगे, वेदों का ख्याल नहीं है। वेद और मुरली अलग अलग हैं? सेम है। हाँ सेम है, मुरली का ख्याल नहीं है ना, अभी गीता का शास्त्र जो बने हैं भक्ति मार्ग या भगवत गीता बने ना, उसका संदर्भ मुरली में बोला है। अभी गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? गीता ज्ञान तो है, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं है, क्योंकि उस समय ज्ञान का सार नहीं निकला। ज्ञान का सार है परमात्मा की पहचान। परमात्मा बाप की पहचान नहीं हुई तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान ही बेकार हो गया। भक्ति मार्ग में इतना ढेर सारा ज्ञान है शास्त्रों का। ज्ञान है क्या? ज्ञान है क्या? है शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है। क्यों है अज्ञान? क्योंकि बाप की पहचान नहीं। और बाबा अच्छी माना जीव को बताया, माना आनंद मीरा का पति बताया, माना पति माना रक्षक कहा, माना सिर भी इसका इसका ही रक्षक भेजा। जो एक है, जो निराकार है, जो निराकारी स्टेज वाला है इस सृष्टि पर, तो एक ही है या अनेक है? निराकारी स्टेज में संसार के सामने बाप बनकर प्रत्यक्ष होता है, वो एक है या अनेक है? एक है। तो जब एक है तो एक से एक ही बनेगा या दो चार बनेंगे? त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहा जाता है, देवताओं में बड़ा शंकर, गॉड इज वन कहा जाता है, तो वन गॉड का बच्चा कौन कौन हुआ? महादेव हुआ। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। एक पवित्र है साकार में, तो उसका बच्चा भी, उसकी रचना भी। पहले नंबर का कोई एक ही होगा या अनेक होंगे? एक ही है, तो काशी नगरी है। फिर वही निराकारी 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 स्टेज को कहा जाता है या बिंदु को कहा जाता है? हाँ, अरे माने निराकारी स्टेज में रह करके आत्मिक स्टेज में रह करके देह का संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। आत्मिक स्टेज में रह करके देह के संबंध नहीं जोड़े जा सकते, इंद्रियों के नहीं जोड़े जा सकते। जो सकते जब संबंध जोड़ा, तो संबंध जोड़ा तो वो पति और पत्नी का संबंध भी कहा जाता है अनुसुईया और अत्री। और बाबा भगवान है और उसको अत्री और महामनी कहा जा रहा है, क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन करने वाले में प्रवेश करता है, इसलिए मुनि कहा जाता है। वो एक रूप धारण नहीं करता, अनेक रूप धारण करता है। उसका एक नाम है कि अनेक नाम है? वो बिंदी का नाम है। जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो अनेक नाम है, काम के आधार पर नाम है, अनेक नाम है या एक नाम है? हैं? अनेक नाम है। जैसे जैसे काम वैसे वैसे नाम। तो बोलो बोलो बोलो। हाँ वही बोलो, याद करो।
कोई पूछ रहे हैं, पद्मा माता जी नाम लिखा है, बाबा आप ओम शांति कहते हैं ना, पूछ रहे हैं, माता जी पूछ रहे हैं, आप क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं, है? आप क्यों बोलते हैं? अरे भाई अवस्था नहीं बनी है तो बोलते हैं, जब अवस्था बन जाएगी तो नहीं बोलेंगे। हाँ, बाबा की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छा, शिव शंकर भोलेनाथ एक हो गए, शिव और शंकर मिला के एक हो गए, हैं? शंकर जी ने बैल के ऊपर सवारी कर ली, हाई जंप लग गई, अरे हाँ बात क्लियर हो गए। तो जब बाप का पार्ट क्लियर होगा तो नंबर बार बच्चों का शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने बच्चे प्रत्यक्ष हो गए? ये कोई बात हुई? 70 से लेकर के और अभी तक इतने सालों में दो ही होंगे प्रत्यक्ष। तो ये 500 करोड़ की प्रत्यक्षता होनी है तो कब होगी? अच्छा चलो 500 करोड़ को छोड़ दो, कम से कम जो असली है 4.5 लाख वो तो सितारे प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? फिर है? हाँ, समय के अनुसार होगा। समय को लाएगा कौन? समय को ड्रामा नहीं लाएगा, ड्रामा जड़ है, चैतन्य आत्मा ही लाएंगी पुरुषार्थ के आधार पर। और तो वहाँ पुरुषार्थ की बात क्या हुई? जो ऋषि मुनि ने तपस्या की वहाँ पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ तो है ही नहीं, वो तो भक्ति मार्ग है, उसे पुरुषार्थ थोड़ी कहेंगे। पुरुषार्थ तो यहाँ है, इस पुरुषार्थ से परिवर्तन होगा दुनिया का। भक्ति मार्ग में आत्मा को ही नहीं जानते, पुरुष कौन है वो जानते ही नहीं, पुरी में शयन करने वाली आत्मा क्या है पता ही नहीं है, तो पुरुषार्थ कहाँ से होगा? तो जब वहाँ पुरुषार्थ ही नहीं तो समय को परिवर्तन कौन करेगा? और यहाँ तो पुरुषार्थ है, यहाँ आत्मिक स्टेज में रहने से ही बच्चे सारे संसार को वाइब्रेशन से चेंज करेंगे। समय में बांधा हुआ है, वो तो डल बोलते ही है, मैं ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। और ड्रामा तुम बच्चे बनाते हो, मैं बनाता हूँ? अपना अपना ड्रामा कौन बना रहा है, हैं? खुद ही बना रहे। सबसे ज्यादा ड्रामा कौन बनाता है भैया? और बाहर के नियम में समाज व्यवस्था में जहाँ भ्रष्टाचार गवर्नमेंट चल रहा है, कुछ जवान है जो देश के लिए बलिदान करते हैं, पार्ट का विशेषता क्या है? वो यहाँ भी बलिदान करते हैं, वहाँ भी बलिदान करते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। और आगे मैं बिना जरा मजल चुकी है, बिना जरा मजल चुकी है, अभी दक्षिण क्या रुपया नहीं है किसे पाकिस्तान बिना जरा मजल चुकी है आज में बिना ज्वाला प्रज्वलित हुई है। हाँ, यज्ञ में बिना ज्वाला प्रज्वलित हुई। हाँ, यहाँ सूक्ष्म रूप में पहले प्रज्वलित होगी या स्थूल रूप में प्रज्वलित होगी?
पहले यहाँ सूक्ष्म रूप में प्रज्वलित हुई, तो ज्ञान अग्नि की ज्वाला है जो संक्षेत्र से प्रज्वलित हुई, ब्राह्मण की दुनिया में आग लग गई, जो आग बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 भक्ति मार्ग भी बढ़ता जा रहा है, ज्ञान मार्ग भी बढ़ता जा रहा है, आग भी बढ़ती जा रही है, पानी भी बढ़ता जा रहा है, अंत में क्या होगा? सारी दुनिया को आग चपेट में ले लेगी, सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। जैसे आदि में सिर्फ हीरो शमा और नागासाकी में आग लगी थी, जो हीरों की शमा थी, चैतन्य हीरे थे, उनमें आग लग गई, खलास हो गए, वो हीरे फिर आकर के दोबारा जन्म लिया है, फिर आग लग रही है। अब क्या होगा? पहले तो ज्ञान पूरा समझ में नहीं आया था, ज्ञान संपन्न स्टेज में नहीं था, और अभी अभी तो ज्ञान संपन्न स्टेज में है, पता है कि कैसे आग में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी हम सेफ रह सकते हैं, ये बच्चों को पता है, दुनिया वालों को पता नहीं है। तो अभी तो संपूर्ण आग लगेगी। जो जानकार हैं, जो तारु हैं, तैराक हैं, वो बचेंगे। इसलिए इस्लामियों में खास सिखाया जाता है मुसलमानों में, उनके यहाँ जो उत्सव करते हैं ना, तो उसमें एक बड़ा अलाव खोदते हैं, गड्ढा, उस गड्ढे में खूब कोयले जलाते हैं, आग जलाते हैं, और वो आग जब अंगारे बन जाते हैं तब उस पर नाचते हैं, आर पार होते हैं। ये यादगार बनी हुई है, मुरली में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे। क्या? जब ये मरेंगे तो क्या अजूबा गरूबा करेंगे, ये आग से पार होते चले जाएंगे, इनको आग की परवाह नहीं रहेगी, आग से पार होते हुए भी ज्ञान में जिंदा रहेंगे। महाकाली में सरस्वती के साथ प्रवेश होती है, मेरे को है महाकाली का पाठ करी है, वो ओमराज का सोल प्रवेश होता है। ज्यादा दुख ब्रह्मा बाबा ने भोगा है बच्चों से या मम्मा ने भोगा है? ज्यादा ग्लानी ब्रह्मा ने सहन की है या मम्मा ने सहन की है? हाँ, ब्रह्मा ने सहन की है। तो जिसने ब्राह्मणत्व जीवन में, आखिरी जीवन में इतनी ग्लानी सहन की, इतना बच्चों का दुख सहन किया और बदले में सुख दिया, तो वो हिसाब किताब का पूरा करेंगे, इसी संगम में पूरा करेंगे या सतयुग में पूरा करेंगे? है संगम में पूरा करेंगे। तो संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा महाकाली में प्रवेश करके उन आसुरी बच्चों से एक एक की सौ सौ गिनाएगी। सरस्वती नहीं प्रवेश करेगी। सरस्वती छोटी माँ है या बड़ी माँ है? है बेसिक नॉलेज में बड़ी माँ ब्रह्मा और छोटी माँ सरस्वती। तो यहाँ भी, यहाँ छोटी माँ कौन है और बड़ी माँ कौन है? बड़ी माँ जगदम्बा और छोटी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी में छोटी माँ प्रवेश करेगी और जगदम्बा में बड़ी माँ प्रवेश करती है।